जापान गवर्नमेंट की एक ऐसी डार्क रियलिटी जो कि उन्होंने 40 साल से भी ज्यादा पूरे वर्ल्ड से छुपा के रखी। ये बात है वर्ल्ड वॉर टू 1944 चीचीजीमा आइलैंड की, जहां पर एक अमेरिकन प्लेन उस आइलैंड के ऊपर से गुजर रहा था जिसमें कि उनके सैनिक बैठे हुए थे। जापान आर्मी ने रॉकेट लॉन्चर मार के उस प्लेन को नीचे गिरा लिया, जिसमें अमेरिकी सेना के सारे सैनिक मर गए, बस 8 बचे, और जापानी आर्मी ने उन 8 सैनिकों को ले जाके कैद कर दिया। अब होता क्या है कि जब वो पूरे दिन लड़ने के बाद अपने कैंप पर आते थे तो अपने सारे दिन की घुनस उन लोगों पे निकाल देते। ऐसे करके उन्होंने उन सैनिकों को पिक करना स्टार्ट करा और हर 2 दिन में पूरी तरीके से टॉर्चर करने के बाद एक एक सैनिक को वो मारते चले गए। जब इस बार इन्होंने 5वें सैनिक को मारा तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये सोचा कि जब हम किसी आदमी को इतने पेनफुल तरीके से मारते हैं तो उसका ह्यूमन फ्लैश कैसा लगता होगा। तो उन्होंने उसके ह्यूमन फ्लैश को खाया और वो उनको इतना अच्छा लगा कि 6ठे और 7वें सैनिक को भी सेम उन्होंने बुरी तरीके से टॉर्चर करने के बाद उसके ह्यूमन फ्लैश को खा लिया। लेकिन उस आखिरी सैनिक पर उनका टॉर्चर इतना बढ़ चुका था कि उसके जिंदा रहते हुए उसके शरीर के पार्ट्स को काटकर खाने लगे, वो मारकर खा।